Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बोल के सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि झुक जाते हैं श्रद्धा से शीश जिनके चरणों में, झुक जाते हैं श्रद्धा से शीश जिनके चरणों में, उन्हें हमारा सिर झुकाना गवारा नहीं। और इसी के साथ हम सबके आदरणीय गुरुदेव दादू आदरणीय भागचंद छाबड़ा सर को हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं आपकी जोरदार जानदार शानदार और खतरनाक तालियों के बीच। गुरुदेव आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू। सभी दिव्य शक्तियों को मेरा बहुत 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 प्यार भरा आदर भरा नमस्कार। और आज का दिन क्योंकि त्योहार का दिन है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और अभी मैं भोपाल में था और भोपाल में मैंने लगभग 9 दिन के अंदर 10 किलो वजन अपना कम किस तरह से किया, उस बारे में तो मैं कभी किसी दिन बताऊंगा। और अभी 10 किलो और कैसे कम करने वाला हूँ। तो और 10 किलो वजन जब कम करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आने वाले समय की 10 नहीं 20 बीमारियों से छुट्टी पा लेना। हमारी बॉडी में जो अनवांटेड एलिमेंट होते हैं वही हमारी बीमारी वजन होता है, अनवांटेड एलिमेंट। तो इस बार मैंने काफी नई चीजें सीखी वहां पर, काफी अलग तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को किया, क्योंकि मैं इस बार कैंप में नहीं जाके पर्सनल गया था, तो वो भी मैं एक दिन आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आज की बात करते हैं हम, तो मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। और क्योंकि आज हमारे बीच में जयनान जी कुकना का प्रोग्राम है या उनके मैडम है या दोनों है? दोनों लोग हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है, आज आपको बढ़िया सौभाग्य मिल रहा है सर। अब जो है ना डबल इंजन की सरकार चल रही है ना, अब कोई सिंगल नहीं आते हैं 1 PM में भी। हाँ नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है और यही तरीका हमें अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं सभी दिव्य शक्तियों का, अब आज से नाम आपका हो गया है दिव्य शक्तियां, यू आर डिवाइन लाइट्स आप। और एक बात मेरी हमेशा के लिए हर व्यक्ति नोट कर ले, हर व्यक्ति नोट कर ले, हर कोई नोट कर ले कि जिस कमरे में आपकी लाइट है, मतलब आप जिस कमरे में बैठे हुए हो वहां पर कोई न कोई लाइट आपने जला रखी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, उस लाइट की रोशनी को आप कितना भी बढ़ा लो कितना भी गुना कर लो, लेकिन वो रोशनी दीवारों के बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मेरे सामने आप जो दिव्य शक्तियां बैठी हुई है वो अपनी रोशनी को बढ़ाना शुरू करती है, तो वो रोशनी पूरे भारत में फैलती है और बढ़ाए तो पूरी दुनिया में फैलती है। वो ताकत आप में है, वो ताकत आप में है और वो सब में है। इस प्रोग्राम का जो मकसद था, इस प्रोग्राम की शुरुआत के पीछे जो लक्ष्य था कि हमें महिलाओं को आगे लाना है, एक एक शब्द को आप ध्यान से सुने, महिलाओं को आगे लाना है, महिलाओं को मंच देना है, महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को पहचान दिलानी है। लेकिन अब एक और लक्ष्य देना है कि महिलाओं को अब आगे निकालना है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से आज के प्रोग्राम में आने वाले सभी मेहमानों का दिल से मैं स्वागत करता हूं। और अभी भी आपके पास वक्त है, आज कुछ खास बातें मैं बताने वाला हूं, लेकिन आज जो कपल हमारे बीच में है जयनान जी कोकना और उनकी पत्नी, वो दोनों अनुभवी लीडर हैं जिन्होंने पूरा का पूरा काम फील्ड में रहकर फील्ड वर्क करके इस बिजनेस को सीखा है। वो फील्ड के और बिजनेस के सच्चे गुरु हैं, इसलिए आज उनकी बातें जो आपको सुनने को सीखने को मिलेगी वो आपके लिए सौभाग्य है। मैं आज सबसे पहले तो जो आज धनतेरस का दिन है हमारा 10 नवंबर, तो मैं शुभ धनतेरस की आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं सबको रूबरू बधाई देने के लिए आज आपके बीच में आया हूं वैसे तो। और 12 नवंबर को दीपावली को भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए 12 नवंबर की दीपावली की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं पहले मेरी तरफ से दे देता हूं और फिर बाद में मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं दे देता हूं।
और अब हमारा पूरा जो परिवार है, ये हमारे पूरे परिवार की तस्वीर है। हमारा 6 भाइयों का परिवार, उनके बेटे हो गए, बेटों की शादियां हो गई, उनकी बेटियां हो गई, बेटे हो गए, मतलब हमारा 3 पीढ़ियां हमारी अभी हमारे परिवार में मौजूद है। इसमें केवल केसी जी उस दिन प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे, बाकी ये टीसी जी के नए मकान के गृह प्रवेश के दिन हमने एक सामूहिक फोटोग्राफ लिया था, जिसमें वैदिक जी से लेकर सारे हमारे दामाद भी वहाँ जो जो भिलवाड़ा में रहते हैं, मतलब दामाद भी अवेलेबल हैं इसमें, बेटियां भी अवेलेबल है, ये हमारा पूरा परिवार है। इन पूरे परिवार की तरफ से भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, इतना बड़ा हमारा परिवार है, ये आप देख लें, इतना भरा पूरा परिवार है हमारा। और एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ, मुहूर्त तो वैसे मैं कल कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो रियल ओपनिंग है वो किसी दिन, जो भी डेट डिसाइड होगी, जब पूरा एकदम 100% ये कंप्लीट हो जाएगा, नए ऑफिस की ओपनिंग भी मैं करने वाला हूँ, उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम सूचना दे रहा हूँ। और जो मेरे जीवन का मकसद है कि हम सबको 7 सितारा जिंदगी दे सके, 7-स्टार लाइफ दे सके, 7 सितारा, जिसमें आपके जीवन की उन्नति भी हो, आपके जीवन की प्रगति भी हो, आपके जीवन में बरकत भी आए, आपके जीवन में बढ़ोतरी भी आए, आपके जीवन में प्रगति भी होती रहे और आपके जीवन में प्रसन्नता भी आए। ऐसी अनेकों 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 खुशियों से भरा हुआ आपका जीवन हो, दुनिया की हर तरह की खुशियों के फूल आपके सबके आंगन में खिले, ऐसी ही मेरी सुभावना है और ऐसी ही मेरी मंगल कामना है कि दुनिया की हर तरह की खुशियों के फूल आप सबके आंगन में खिले। जो भी इस प्रोग्राम के दर्शक हैं, जो कभी कभी आते हैं, रेगुलर आते हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अभियान से बढ़कर है, क्योंकि इसका मकसद है लोगों के घरों में खुशियां देना, उनके अंदर छिपी हुई गुण, प्रतिभाएं, शक्तियों को बाहर निकालना। जो भी महिलाओं में गुण है, शक्तियां हैं और मतलब दिव्य शक्तियां भी हैं, उन सबको प्रकट करना, उनको मौका देना, उनको आगे लाना, तो दुनिया की हर तरह की खुशियों के फूल आपके सबके आंगन में खिले और सारे जहां की रोशनी आपके आंगन में मिले, सारे जहां की रोशनी आपके आंगन में मिले और सारे जहां की खुशियों भी आपके आंगन में ही खिले, ऐसी मेरी मंगल कामना है, ऐसी मेरी संभावना है। और अब आने वाला जो समय भाई दूज का है, तो भाई दूज की भी शुभकामनाएं मैं आज आपको अग्रिम में देना चाहता हूँ, क्योंकि 15 नवंबर को भाई दूज भी है। और ये जो प्रोग्राम है, जिसको आज 334 या उससे अधिक दिन हो चुके हैं, उसको सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए जो मेन अपराजिताओं की टीम है, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेकर, मतलब आज धनतेरस का त्योहार है, फिर भी देख लीजिए त्योहार के दिन में इतनी अच्छी गैदरिंग है, इसका मतलब हम कितने कमिटेड हैं, ये साथी, ये टीम कितनी कमिटेड है, तो अपने आप में ये बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि महिला सशक्तिकरण ही नहीं, अब उससे बड़ी बात हम करने के लिए तैयार हैं। और डेली ये प्रोग्राम होता है, डेली, और सबको, नए लोगों को मौका दिया जाता है, नए नए, क्योंकि हमारा मकसद है 1000 से अधिक महिला लीडर्स तैयार करना। तो जो भी मेरी बात को सुन रही है महिलाएं, इस पूरे प्रोग्राम का एक ही मकसद है, आपको आगे लाना, आपको मौका देना, ये आपका मायका है। और मायके की क्या खुशी होती है, मेरे को मेरी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब मेरी बिटिया जब अपने घर में खुश है तो मैं यहाँ कितना खुश हूँ, मुझे क्या चाहिए, जब मेरी बिटिया वहां खुश है, बस वो मेरे से मिलने आए नहीं आए, लेकिन वो वहां खुश है ना, तो वो मेरे पास जीवन की सारी खुशियां हैं। बस आपके जीवन में ये खुशियां आए, यही इस मायके की लालसा है, अभिलाषा है, और आपको बड़े से बड़े मंच पे सम्मान मिलता रहे, मौका मिलता रहे, यही हमारी, और आपको अपने ऊपर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिस बात को आप नोट कर लें,
आपको कोई दूसरा बद्दुआ दे, गाली दे, उसको तो खत्म किया जा सकता है, उसका असर उतना नहीं होता है, लेकिन आप खुद अपने आप को बद्दुआ देते हो तो वो उसका असर पक्का होता है। और जो भी महिलाएं ये सोच रही है कि मैं कमजोर हूं, मैं बोलना नहीं जानती, मेरे को ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, वो बद्दुआ दे रही है। बस अपने आप को बद्दुआ देना बंद करो, आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। अपने बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो सोचना शुरू करो, अच्छा भी अपने आप होने लग जाएगा। आप अपने हित में सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने फेवर में सोचो, अपने को बड़ा सोचो, तो आपके जीवन में अच्छा ही आने लग जाएंगी। और हमने 300 दिन भी सम्मेलन किए थे, आपको सब पता है। एक मिनट, मैं इसकी आवाज को, तीन सौ दिन जो सेलिब्रेट किए थे, तब मुझे पहली बार पता चला था कि इस मंच के माध्यम से जो काम हो रहा है, 1 PM के मंच के माध्यम से जो काम हो रहा है, उसमें पिंक क्वीन क्लब, जिनके सेलिब्रेशन हमने किया था इस मंच पर, जिनके फोटोज हमारे पास, संख्या तो और ज्यादा होगी, उनकी संख्या 350 के आसपास थी। और ये किसोल के साथ से मुमकिन हुआ है, और अब इस तरह का कुछ नजारा आपको समय पर देखने को मिलेगा। ये 1 PM की ताकत है, और आपके सहयोग की ताकत है, आपके निर्णय लेने की ताकत है। मैं आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और 28 नवंबर को मैं देख रहा हूँ कई महिलाएं जो किसी दिन नहीं आ पा रही है, वो 28 को जरूर आ रही है। 28 नवंबर को दिल्ली में आपके स्वागत की अभिलाषा से मैं आपके साथ हूँ। और हमने एक सपना देखा था संकेत जी के सहयोग से, संकेत जी ने हमें विजुलाइज कराया था कि इस ऑडिटोरियम में, ऐसी भीड़ में महिलाएं मंच पर होगी, इस जगह पर महिलाएं होंगी। और हमारे लिए खुशी की बात है कि अब एक नहीं, दो नहीं, 58 से अधिक अपराजिताओं ने उस मंच पर सम्मान पाने का गौरव हासिल किया है। तो मैं बाकी महिलाओं को भी निवेदन करता हूं कि वो भी इस तरह के जो बड़े मौके जब भी आपके सामने आते हैं, तो अपना हौसला जुटाएं, काम करें और बड़ा सम्मान करें, क्योंकि बड़ा सम्मान आपको बहुत आगे जाने का दरवाजा खोलता है। जब आप किसी बड़े मंच पर जाते हो, तो वो बड़ा मंच आपको उस बड़े मंच का सितारा बनाता है और कई दिलों का प्यारा बनाता है। इसलिए बड़े मंच पर जाने के मौके छोड़ने नहीं चाहिए। और आज ही आपके माध्यम से पूरे भारत में कमाल हो रहा है, और इन सबने वो टारगेट पूरा किया। और मैं आपको सबको पुनः पुनः, देखो, जिनका सम्मान दिल्ली के मंच पर होने वाला है, मैं उनको अग्रिम में पुनः पुनः और बार बार दिल से बधाई देना चाहता हूँ, इनका सम्मान करना चाहता हूँ, और बहुत आगे जाने की शुभावनाएं और शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो भी किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सबने, मतलब पूरे भारत में उस दिन पता चलेगा लोगों को, शायद बड़े बड़े सीनियर लीडर्स को, RCM के कोर लीडर को भी पता चलेगा, क्योंकि वो यहाँ तो वो आ नहीं पाते, तो उनको पता नहीं चल पाता, लेकिन उस दिन पूरे भारत को पता चलेगा कि महिला शक्ति क्या कर सकती है। और 1 PM जय RCM का नारा उस दिन पूरे भारत को पता चलेगा। तो ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए खुशी और गर्व की बात है। और हमारे कुछ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किए हैं इस मंच पर। 14 नवंबर को 1 बजे डायबिटीज का दिन है। अब आपको क्या करना है, उस दिन के लिए आपको एक नई लिस्ट बनानी है, आपके अड़ोस में, पड़ोस में महिलाओं को, पुरुषों को, उनको बोलिए कि डायबिटीज के ऊपर इससे बढ़िया जानकारी आपको और किसी मंच पर और कभी भी और कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए आज आके आप इस प्रोग्राम में आइए। वो जेंट्स हो, लेडीज हो, और आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले हो, ये तैयारी आप अभी से चालू करेंगे तो आपको 14 नवंबर को काफी नए लोग मिल जाएंगे, और वो सुनेंगे। जिनको डायबिटीज है ना, डायबिटीज भारत में 12 करोड़ लोगों को है, तो जिनको डायबिटीज है वो सुनेंगे
और वो सुनेंगे तो आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि उसमें वो न्यूट्रीचार्ज के बारे में भी सुनेंगे और गामा ऊर्ध्वोज के बारे में भी सुनेंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। 14 नवंबर की तैयारियां आप अभी से करें, 14 नवंबर की तैयारियां आप अभी से करें तो ये आपको मौका देगा। 14 नवंबर अब दूर नहीं है, ये आपके लिए बिजनेस में नए प्रोस्पेक्ट ढूंढने का एक तरीका है, नए साथी ढूंढने का एक तरीका है जो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। और जैसा विश्व हृदय दिवस पर हमने जो प्रोग्राम किया था 1 बजे, उसको 68,000 लोग अब तक देख चुके हैं नेचुरली। और अगर आप रोज के 10 लोगों को भी वो भेजने का नियम बना लेंगे तो आप, हो सकता है पूरी जिंदगी में एक जीवन को भी बचा लेते हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। मतलब अगर आपके वीडियो भेजने से अगर एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में भी अगर सेफ रहता है तो वो आपके जीवन को धन्य बनाता है। इसलिए रोज के 10 नए लोगों को, फ्रेश लोगों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजने का संकल्प करिए। इससे आपके माध्यम से जो सेवा होगी वो आपके लिए, और जैसा कि मैंने बताया था बैठते ही कि मैंने 10 दिन में 10 किलो वजन कम किया, और न केवल 10 किलो वजन कम किया बल्कि अनेकों लाभ और भी लिए। तो इस बार मैंने क्या ऐसा विशेष किया कि ऐसा लाभ मैं ले पाया, वो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। और मेरा जो मानना है, मेरा जो मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि मैं दुनिया को गिफ्ट देता हूँ, दुनिया के लिए काम करता हूँ, बिजनेस के लिए काम करता हूँ, परिवार के लिए काम करता हूँ, तो थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए। और उसके लिए हमने मौका रखा है, अगला 25 दिसंबर से 1 जनवरी का कैंप है, वही भोपाल में जहां पर अभी मैं जाके आया हूँ। और ये कैंप हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर आरसीएम होता है, इसमें एडवांस बुकिंग करानी होती है। वहां का मैं आपको कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ, 25 से 1 का ये कैंप है। और हम मतलब इस बार हमने निर्णय लिया कि बिजनेस की क्लोजिंग भी वहीं से करेंगे, ताकि वहां से फोन पे हम क्लोजिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करवा सकें, और हैप्पी न्यू ईयर के नए साल के रेजोल्यूशन भी वहीं बनाएंगे, तो 1 जनवरी को। और वहां का जो प्रोग्राम होता है, मतलब मेरी जो अभिलाषा है कि हम एक ऐसी पहल करें कि लोग स्वस्थ रहना सीखें, रोग मुक्त बनना सीखें और बॉडी को डिटॉक्स कराते रहें, तो ये हॉस्पिटल से कभी भी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। देखो मैं वहां क्या क्या अच्छा है और जगह के मुकाबले, अब वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली चीज तो वहां के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत सेवा भावना से काम करते हैं। आपको डॉक्टर करिश्मा, डॉक्टर सुचिता मैडम ये आपके बीच में आए भी हैं और भी आते रहेंगे। तो ये वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है सेवा। ऐसा मैंने पूरे भारत में कहीं नहीं देखा कि आप अपने डॉक्टर से दिन में 3 बार मिल सकते हो, 10 बार मिल सकते हो, और डॉक्टर को सारी बात पूछ सकते हो, कभी कोई चिढ़ता नहीं है, और डॉक्टर से जो अपनी चाहते और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हो। वहां की भोजन व्यवस्था और भोजन बनाने वालों का व्यवहार बहुत अच्छा है। वहां की जो जितने भी स्टाफ है, चाहे वो किसी भी फील्ड का, चाहे वो सफाई वाला स्टाफ हो और चाहे वो थेरेपी देने वाला स्टाफ हो, चाहे वो ऑफिस के स्टाफ हो, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। खास तौर से वहां का ओरा बहुत अच्छा है, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। अभी संकेत भी था मेरे साथ में, कल परसों गया वो, तो संकेत ने कहा मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मैं इतना काम कर पाया जितना मैं वहां रहता इंदौर तो नहीं कर पाता। और वो भी आके 5 दिन मेरे साथ जूस थेरेपी पे रहा। तो हर कोई लाभ लेते रहते हैं, ये वहां के रूम्स हैं। अगर मैं बाहर इस तरह के रूम में ठहरता हूँ तो मुझे 2,000 से लेकर 3,000 रुपये का चार्जेस देना पड़ता है। और ये वहां पर एक कॉमन VIP लॉन्ज है जो रूम की जगह सबको साथ में व्यवस्था, ये भी बिल्कुल वही फैसिलिटी है जो रूम के ऊपर है। और इस पूरे प्रोग्राम में हम साइट सीइंग का प्रोग्राम, भोपाल दर्शन का, भोपाल साइट सीइंग का प्रोग्राम भी रखते हैं। और वहां की जो दिनचर्या है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक, जिसमें दिन का रेस्ट भी है, और
सुबह की एनर्जी ड्रिंक से लेकर चालू होकर योगा सेशन से लेकर रात तक की दिनचर्या बहुत वेल प्लान्ड बनाई हुई है, जिसमें दिन का रेस्ट है, उसके माध्यम से आप बहुत लाभ ले सकते हो। हाँ, उसमें रात का आनंद मेला भी होता है, डांस भी होता है, डीजे भी होता है, सब कुछ होता है, लाफिंग भी होता है, योगा भी होते हैं ये। और वहाँ का इस कैंप का जो चार्जेज है वो आप समझ लीजिए 10,500 रुपये रूम वालों के लिए है और 9,000 रुपये कॉमन ठहरने वालों के लिए। कॉमन में भी पूरी साफ सफाई से लेकर कोई चैलेंज नहीं है, तो आप कॉमन वाले में भी ठहर सकते हैं और जिनको प्राइवेट रूम चाहिए वो रूम में भी ठहर सकते हैं। मौसम समय का है तो एसी की जरूरत ही नहीं है, तो एसी के चार्जेस देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा सुहावना मौसम रहता है वहाँ का और कंफर्टेबल माहौल रहता है सारा। आप में से जिनका भी रुचि हो वो अपनी बुकिंग जरूर एडवांस में करा लें और उसके लिए स्क्रीन शॉट ले लें। भले ही एक तो स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं आप, जिसमें सारे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं, जिसको भी फोटो वगैरह खींचनी हो स्क्रीन। ये कैंप की डेट 25 दिसंबर से 1 जनवरी है, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं ये कैंप, ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारा वहाँ का ही पैम्पलेट है। और जिनको पर्सनली डॉक्टर से और कुछ चाहिए, जानकारी भेजनी हो, पूछना हो, तो वो ये उनके पास ये कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ के डॉक्टर्स का है जो आपको फोन। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि कुछ लोग, जैसे मैं भी था, शारीरिक व्याधि एक्चुअली में एक तिहाई दुखों का कारण है, हम अधूरी जिंदगी जीते रहते हैं। मतलब जब भी बीमार होते हैं ना, तो हमारे लिए सारी दुनिया फीकी हो जाती है। और वहां जाकर हम न केवल बीमारियों को ठीक करते हैं बल्कि आने वाली 100 बीमारियों से दूर होने का भी तैयारी करते हैं। तो शारीरिक विद्या एक दुखों का कारण है और स्वस्थ और सात्विक और शक्तिशाली शरीर में ही महान सफलताएं जन्म लेती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर काम करना, और सफल वही होता है जो अच्छी आदतों का धनी होता है, और वहां पर अच्छी आदत को बनाने के लिए पूरी तैयारी करवाई जाती है। और बिल्कुल वहां का जो मकसद है, संत जी के द्वारा मानव सेवा ही मानव सेवा है, इस तरह से वहां का कारोबार चलता है। आरोग्य केंद्र वाकई में आपको एक डिवाइन हेल्थ देता है, दिव्य स्वास्थ्य देता है। और अब आप इस धरती पर एक्चुअली में बहुत खुशियों के लिए आए हो, बस आप तो अगर हम ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं तो हमें थोड़ा सोचना है और अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को ये गिफ्ट देनी है। डेट वापस मैं नोट करवा रहा हूँ, 25 दिसंबर से 1 जनवरी, और ये कैंप का डिटेल भी मैं वापस दे रहा हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट चाहिए, और अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट YouTube चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come.